Yet today, our immigration system doesn't allow for anything of the sort. It's complex, it's bureaucratic, it lacks strategy, it's expensive and glacially slow. It's not serving the needs of our country, of business or of migrants. Hello everyone, my name is Nasir Nawaz and I am in Australia as a registered migration agent. होम अफेयर मिनिस्टर जो हैं क्लेयर ओ'नील ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया से खताब करते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दी हैं। इनको आप पॉलिसी स्टेटमेंट ही कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट का भी इजहार किया जो पिछली गवर्नमेंट है उसके ऊपर, और आगे आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से भी बातें की जो कि बड़ी ब्राइटर है। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये बात की कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा सेक्शन है ना इस टाइम होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, वो फिक्स होने वाला है इमिग्रेशन वाला, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं वो ब्राइटर या टैलेंटेड लोगों को लेके आते जो यहाँ पे आके फिक्स करें। बट आई एम अफ्रेड के अभी सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हम ऐसे लोगों को लेके आए। अच्छा, इसकी इंटरप्रटेशन मैं कुछ इस तरह करूँगा। देखें, एक बंदा है टैलेंटेड है, लेकिन उसको भी बहुत मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम उनको पॉइंट सिस्टम से होके गुजरना होता है। अगर वो 40 से ज़्यादा है तो भाई वो क्या करे, पॉइंट्स तो बड़े कम होंगे उसके। तो एक तो उन्होंने ये बात की, उसके अलावा उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये कहा कि देखें जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पिछली गवर्नमेंट जो है उस उन्होंने हमें जो दिए लेगेसी में दे के गए हमें, वो तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख एप्लीकेशन थी जो सिस्टम में पड़ी हुई थी फॉर नो रीज़न। अब पता नहीं है वो क्यों पड़ी हुई थी, ये उनको प्रोसेस नहीं कर रहे थे क्या कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये बात की कि ये डिबेट ये करते रहे हैं कि लोगों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर कैसे रखना है और बजाय इसके कि लोगों को लेके कैसे आना है, मतलब, और तब कर रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया को स्किल वर्कर्स की ज़रूरत थी। इसको मैं अपने ज़ुबान में अगर बात करूं तो इन्होंने ये वो कुंडी है या वो ताला है जो अंदर से लगाया हुआ था और कहते थे दरवाज़ा जी बंद है, कोई आ ही नहीं रहा, तो भाई कोई आएगा कैसे, आपकी पॉलिसी, आपकी इमिग्रेशन प्रोसेसिंग, एवरीथिंग। अब लोग आना नहीं चाह रहे थे, आना चाह भी रहे थे तो आप अलाउ नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि भाई ये अलाउ नहीं करते रहे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना हमारा, वो कॉम्प्लेक्स है, हमारा सिस्टम जो है वो स्लो है, आउट ऑफ द स्टेप्स है। यानी उन्होंने वो बातें की कि जिसमें नज़र आ रहा है कि ये इनको इदराक है, पूरी तरह इदराक है जो सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, और उसमें डिटर्मिनेशन भी नज़र आती है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये इसको फिक्स करने जा रहे हैं। अच्छा, देखा अगर ये जाए तो आप देखें जून से 2022 से जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है, इनको 1 मिलियन एप्लीकेशन जो है ना वो मिली, पेंडिंग थी या जो बैकलॉग में थी। इसके अलावा जब नवंबर में एक रिपोर्ट छपती है और उसके अंदर ये आता है कि हमने तकरीबन 1 मिलियन का बैकलॉग कम करके 7,55,000 कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने 3 मिलियन टोटल एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस की। ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो कदम है, इकदाम हैं, सिस्टम है जो ये कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी डिटर्मिनेशन ये है कि ये बहुत जल्दी इस बैकलॉग को ख़त्म करने वाले हैं। ये देखने में भी आया, आजकल तो इस तरह वीज़ाज आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी आप कह रहे हैं कि कभी भी प्रेसिडेंट नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो रेशियो है, ये दो तकरीबन World War II के बाद इतना बड़ा हमें क्राइसिस ये नज़र आया कि इनको चाहिए था कि इसके ऊपर इकदाम लेते। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बात की अनडॉक्यूमेंटेड जो हैं वर्कर्स, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि दे आर वल्नरेबल और उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है और एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, कि भाई जो उनके हवाले से भी हमने बातें करनी है। यानी ये डिटर्मिनेशन के साथ आप करेंगे क्या, जो ओवरस्टेज हैं या मे बी अनलॉफुल हैं या कुछ ऐसे लोग जिनको अलाउ नहीं है काम करना, वो एक्सप्लॉयट ना हो। तो ये कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम होता है ना भाई, वो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि शी इज़ वेरी डिटर्मिंड इसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड क्लास सिस्टम को। आपको जैसे पता है इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमीशन बना हुआ है इम्प्रूवमेंट्स के लिए, उनको बताने के लिए कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगेन, अच्छा, एक और चीज़ के जैसे आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे आ चुका, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई कि बहुत सारे इनविटेशंस लोगों को आए हैं। अब इनविटेशंस बहुत सारे, मैं आपको बताऊँ, ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होंगे, और ये वो लोग हैं जो बताएंगे नहीं है, क्यों, उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं, उन्होंने ओवरक्लेम किए हुए पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में भी उनको दोबारा चांस मिल सकता है। क्यों
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत डिटरमेंड है कि जो स्किल वर्कर्स हैं ना उनको या तो रिटेन किया जाए या नए वर्कर्स को लेके आया जाए। तो आप देखेंगे आइंदा आने वाले जो साल है ना ये बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाले हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपका कोई सवाल है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।